दोस्तों ये है लाइफ का LS4505 और इसमें आपके अगर रिंगर स्पीकर लाउड स्पीकर है जो काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है पास में घंटे को नहीं दबा रखा है घंटे को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर होता है अपना स्पीकर है जो अटैच, ठीक है, लाउड स्पीकर यहाँ पे अटैच होता है अपना इन दोनों पॉइंट पे और मेन बोर्ड पे चलना है। आपको यहाँ से ऊपर वाले सिरे से एक जम्पर लेना है, ठीक है ना, प्लस वाले सिरे से एक जम्पर लेना है और आप देख रहे हैं ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है इसके साइड, इस साइड में आईसीआर लगी हुई है, पावर आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट है जो है अपने रिंगर के, ठीक है ना, ये वाले। तो आपको ऊपर वाले सिरे से जिस मैंने बताया है वहाँ से आपको लगा देना जम्पर इस कंपोनेंट पे। ये कॉइल है दोनों तरफ से, आप अगर मीटर से चेक करोगे तो बीप की आवाज़ में आएगी और यहाँ से भी अगर नहीं हो रहा है ऊपर वाले से तो आप यहाँ ये पास वाला छोटा सा कंपोनेंट है, ये इसके पास वाला ये छोटा सा कंपोनेंट है ब्लैक कलर का, इस पर भी जम्पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे का आपको यहाँ से लेना है, ठीक है ना, यहाँ से लेके आपको नीचे वाले इस कंपोनेंट पे बड़े कंपोनेंट पे लगा देना है। ये कॉइल है दोनों तरफ से बीप की आवाज़ करेगी और यहाँ से नहीं हो रहा है तो सेम छोटा कंपोनेंट है ये रहा, ये भी कॉइल ही है, इस पर लगा देना किसी भी एक साइड में तो भी आपका रिंगर काम करने लग जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। इसके बाद अगर नहीं हो रहा तो आपकी ऑडियो ऐसी ख़राब है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे, आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।